नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम चीज़ ऑमलेट बनाएंगे। चीज़ ऑमलेट खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। चीज़ ऑमलेट को आज हम हेल्दी बनाने के लिए इसमें कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इस ऑमलेट को बनाना हम शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। चीज़ ऑमलेट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं। अब हम एक बड़ा बाउल या कोई बड़ा बर्तन ले लेंगे। एक फोक या चम्मच की सहायता से अंडे को हम इस प्रकार से तोड़ लेंगे और तोड़ के बर्तन में डाल लेंगे। इसी प्रकार से हम सभी अंडों को तोड़ लेंगे। चीज़ ऑमलेट को हेल्दी बनाने के लिए अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल लेंगे। 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेंगे हम इसमें। 1 छोटा बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर के बीज हटा के मैंने टमाटर को काट लिया है। 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे, या नमक आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। हमने इसमें हरी मिर्ची भी डाला है। अगर आप तीखा नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लाल मिर्ची पाउडर ना डालें। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहें तो इसमें बीन्स, शिमला मिर्च और गाजर भी ऐड कर सकते हैं। अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसे बनाने के लिए चलते हैं। मैंने एक पैन गरम कर लिया है। अब हम इस पर 1 चम्मच रिफाइन ऑयल डाल देंगे और डाल के इसे अच्छे से पैन में फैला लेंगे। पैन हमारा गरम हो गया है। अब हम इसके ऊपर तैयार किया हुआ घोल डाल देंगे। हम एक साथ सारा घोल नहीं डालेंगे, तैयार किए हुए घोल में से हम आधा डालेंगे, क्योंकि इस तैयार किए हुए घोल से हम 2 चीज़ ऑमलेट बनाएंगे। जब हम नॉर्मल ऑमलेट बनाते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी बन के तैयार हो जाता है, लेकिन चीज़ ऑमलेट को बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ऊपर से अंडा अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटते समय हम इसे थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, नहीं तो हमारा ऑमलेट टूट जाएगा। अब हम इसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ चीज़ डाल देंगे। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। चीज़ को मैं अंडे के आधे हिस्से में ही डाल रही हूँ। अगर आप चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप चीज़ को अंडे के पूरे हिस्से में डाल सकते हैं। चीज़ ऑमलेट बनाने के लिए इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कोई और चीज़ हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स की जगह आप ऑर्गिनो भी डाल सकते हैं। अब हम ऑमलेट को बीच से इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे और पलट के इसे दूसरी तरह से भी सेक लेंगे। इसे सेकते समय गैस का आंच मैंने इसलिए धीमा रखा है ताकि इसमें चीज़ आसानी से मेल्ट हो जाए और हमारा ऑमलेट जले भी ना और अच्छे से पक के तैयार हो जाए। ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे चीज़ ऑमलेट को भी बना के तैयार कर लेंगे। बचे हुए घोल को हम पैन में डाल देंगे और डाल के इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे और इसे तब तक सेकेंगे जब तक कि इसके ऊपर का गीला वाला हिस्सा अच्छे से सूख ना जाए। इसे सेकते समय गैस का आंच हम धीमा ही रखेंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए और नीचे से जले भी ना। ये ऊपर से अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसे सावधानी से पलट लेंगे और इसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ चीज़ डाल देंगे। आप चाहें तो ऑमलेट के ऊपर डायरेक्ट चीज़ को कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन मैंने चीज़ को पहले से ही कद्दूकस करके रखा था। बीच से फोल्ड कर लेंगे और दोनों तरफ से इसे अच्छे से सेक लेंगे। हमारा चीज़ ऑमलेट बनकर तैयार है। आप इस चीज़ ऑमलेट को सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें, क्योंकि चीज़ ऑमलेट का मज़ा गर्मा गर्म ही आता है। चीज़ ऑमलेट खाने में टेस्टी तो होता ही है, साथ ही साथ ये काफ़ी हेल्दी भी होता है, क्योंकि हमने इसमें सब्जियों का इस्तेमाल किया है। अगर बच्चे सब्जी खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप सब्जी डाल के इस चीज़ ऑमलेट को बना के उन्हें दीजिए। ऑमलेट की इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे भी बताएं, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।